हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद श्री। और आज हम जा रहे हैं नवद्वीप धाम में, जो कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। ये मायापुर से आप फेरी पकड़ के जा सकते हो यहाँ पे नवद्वीप धाम पे। ज्यादा टाइम नहीं लगता आपका, 10-15 मिनट लग जाता है। हम अभी फेरी पकड़ने जा रहे हैं। ये फेरी हमें 10-15 मिनट में मायापुर फेरी घाट से हमें अभी नवद्वीप धाम के फेरी घाट तक पहुँचा देगा। तो ये देख सकते हैं बहुत ही भीड़ होता है, और 10-15 मिनट में, आधे घंटे में आपका फेरी जाता रहता है यहाँ से। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मायापुर से नवद्वीप धाम जाने में। तो फ्रेंड्स, नवद्वीप धाम फेमस है श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म होने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे सन 1486 में जन्म लिए थे, और यहाँ से इन्होंने भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट किया था। तो इसी वजह से नवद्वीप धाम को चार वैष्णवाइट सेक्ट में चार धाम में से एक माना जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हम जब मायापुर से नवद्वीप धाम क्रॉस कर रहे हैं फेरी में, तो हमें दो रिवर्स का संगम देखने को मिलेगा। ये जो आगे देख रहे हैं, एक है भागीरथी और एक है जलंगी। तो भागीरथी जो है ये थोड़ा काला है, और वो जो आपको मडी रिवर दिख रहा है वो जलंगी नदी है। तो इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस में है नवद्वीप धाम, और नवद्वीप धाम नदिया डिस्ट्रिक्ट पे है। तो अभी हम घाट से एक टोटो पकड़ लिए हैं, तो टोटो करके हम लोग यहाँ पे, बहुत सारे मंदिर है, वो सब मंदिर अब घूमेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान भी देखेंगे, और बहुत सारे वैष्णवाइट सेक्ट के बहुत सारे मंदिर वहां पे हम विजिट करेंगे। तो बनिए रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हमारा पहला मंदिर में, जो नवद्वीप में है। तो ये राधाकांत मंदिर है, और ये राधा रानी के ऊपर एक मंदिर है जो नवद्वीप धाम में हम पहले देखने वाले हैं। तो नवद्वीप धाम बहुत ही फेमस है रास मेला के लिए। तो यहाँ पे जब रास उत्सव होता है, तब सारा पूरा ये शहर पूरा चमक जाता है। और बाजू में ही इसका मायापुर धाम है, जो इस्कॉन का हेडक्वार्टर है। तो आप सोच ही सकते हैं कितना फेस्टिविटीज होता होगा। तो ये राधाकांत का मंदिर है, राधाकांत मंदिर है, और ये राधा रानी के ऊपर एक मंदिर है, और ये श्री चैतन्य प्रभु का भी आपको मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलेगा। और नीचे एक गुप्त वृंदावन है, तो आप देखने को मिलेगा। ये आगे देखिए, हमारा बहुत सारे स्टैचूज है श्री कृष्ण भगवान का, और ये पीछे लंगूर बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो आप जब नवद्वीप मायापुर या नवद्वीप में आते हैं, तो ये सब मंदिर आपको घूमते ही हैं। सब टूरिस्ट है यहाँ पे, डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया से यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, और मेनली यहाँ पे वैष्णव धर्म का बहुत सारे मंदिर है। तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ अंदर कैसा है। तो दोस्तों, ये गुप्त वृंदावन का रास्ता है, तो हम अंदर चल कर देखते हैं कि गुप्त वृंदावन में क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेनली श्री कृष्ण का जन्म, महाभारत और श्री कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स जो है उनको दर्शाया गया है यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं गुप्त वृंदावन में आके। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पे, जो नवद्वीप में है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म यहीं पे हुआ था सन 1486 में,
तब ये बंगाल सुल्तानेट हुआ करता था नवद्वीप में। तो ये है आपका श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो यहाँ पे अभी अब मंदिर है। तो दोस्तों श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके भक्त राधा और कृष्ण का अवतार मानते थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ से ही गौड़ीय वैष्णविज्म का प्रचार करते थे। उन्होंने ये स्थापना की, और पीछे जो मंदिर देख सकते हैं ये उनके ऊपर ही डेडिकेटेड एक मंदिर है। तो उनको गौड़ भी बोला जाता था, क्योंकि उनका रंग जो है सावला गोल्डन कलर का टाइप का था, तो इसे उनको गौड़ भी बोला जाता है। और उन्होंने जिस तिथि में जन्म किया उसको गौड़ पूर्णिमा भी बोला जाता है। दोस्तों ये देख सकते हैं उनका मूर्ति, भगवान कृष्ण का भी और चैतन्य महाप्रभु का भी। तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु को निमाई भी बोला जाता है, क्योंकि उनका जन्म जो है एक नीम पेड़ के नीचे हुआ था। और दोस्तों ये जो आप देखे थे अभी नीम पेड़, तो इसी नीम पेड़ के अंदर ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था। तो इसे इसलिए उसको निमाई भी बोलते हैं उनको, चैतन्य महाप्रभु को। तो दोस्तों देखिए ये नीम का पेड़ है, और इसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बनाया है जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल एक्सप्लोर हिस्ट्री में। तब तक के लिए बाय बाय।